और ये मील मैं पिछले 2 महीनों से कंज्यूम कर रहा हूँ, और यकीन मानो जिम में मेरा परफॉर्मेंस और फोकस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। हम प्री वर्कआउट क्यों लेते हैं और ये हमारे मसल ग्रोथ में कैसे काम करता है? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है कि प्री वर्कआउट आप मील से लो या फिर सप्लीमेंट से लो, ये जिम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है, साथ साथ में आपकी मसल्स को एक अच्छा पंप भी देता है। सो कुछ लोग कहते हैं कि प्री वर्कआउट लेने से मसल्स की ग्रोथ होने लग जाती है, तो इसके पीछे का साइंस समझो। आप प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हो तो जिम में आप 2 एक्स्ट्रा रेप परफॉर्म करोगे या फिर आप कल से हैवी वेट लिफ्ट करोगे। सो आपको पता ही है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना, यानी कि हर हफ्ते में अपने सेशन में कुछ वेट्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज करने से आपका फैट लॉस भी होगा और साथ साथ में एट द सेम टाइम आप मसल्स भी गेन करोगे। सो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आप सबसे, मैंने पहले भी ये बात बताई हुई अपने वीडियोज़ में कि लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करने पे आप मसल नहीं गेन करोगे, उल्टा आप मसल लॉस करने लग जाते हो। और जब भी आप फैट लॉस के प्रोसेस में होते हो ना, तो आपका फैट लॉस प्रोसेस रुक जाता है। सो इट्स बेटर कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर फोकस करो। सो अब बात करते हैं 3 ऐसे प्री वर्कआउट चीज़ों के बारे में जिनका रेट अप्रॉक्स 10 रुपये है या फिर उससे भी कम, और ये तीनों चीज़ें आपके प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को भी रिप्लेस कर देते हैं। सो हमारे प्री वर्कआउट लिस्ट में पहले नंबर पे आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी कंटेंस कैफीन, तो ये आपकी एनर्जी को फटाफट बूस्ट कर देगा, बट इसे कंज्यूम करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है कि वो इस पैकेट को फाड़ते हैं और इसका जो भी कंस्टेंट होता है कॉफ़ी उसे मुँह में डाल के पानी पी लेते हैं, तो उनको लगता है कि एज अ प्री वर्कआउट इसे वो यूज़ कर सकते हैं ऐसे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इसे बॉयल करना है और इसमें मिल्क या फिर शुगर ऐड नहीं करना है। ये काफ़ी अच्छा पम्प देता है, इवन फोकस इसका जो फोकस होता है वो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, और मेरा मानना है कि ये बेस्ट सोर्स है प्री वर्कआउट का, और ये काफ़ी अच्छा पम्प देता है। अगर आप इसे ट्राई करते हो, आप 1 हफ्ते इसे ट्राई करो और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो मेरे जाके इंस्टाग्राम पर मुझे बताना कि क्या आपको रिजल्ट दिखा इसका। और बहुत लोग जानते हैं इसे कि एज अ प्री वर्कआउट यूज़ होता है, तो आप भी यूज़ करो अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो। मैंने भी बहुत बार इसे यूज़ किया है, इसका जो फोकस और पंप होता है वो इनसेन, मतलब आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। सो ये कॉफ़ी का पैकेट 10 रुपये का है और इसमें मेरा 3 दिन का काम चल जाता है। सो अगर इसका आप कॉस्ट निकालोगे पर डे के हिसाब से तो अप्रॉक्स 3.5 रुपीज़ आएगा, जो कि बहुत कम है, और आपको फोकस और पंप बहुत अच्छा मिलता है इससे। बॉइल्ड पोटैटोस विद कर्ट एंड सॉल्ट, दूसरे नंबर पे बहुत ही आसानी से बन जाने वाला हमारा प्री वर्कआउट मील। तो इस प्री वर्कआउट मील को बनाने के लिए चाहिए आपको 180 ग्राम पोटैटो। इसे मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाना। सो 180 ग्राम पोटैटो आपके पास हो गया है, तो इसे हम छोटे छोटे पीसेस में शॉप कर लेंगे पहले। अभी हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। सो अभी हमारे पास है अप्रॉक्स 100 ग्राम योगर्ट। सो इसे हम मिक्स करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि इसके साथ आप टेस्ट के लिए सॉल्ट ऐड कर सकते हो या जीरा नमक ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इसे हम फटाफट ऐड करेंगे इसमें। ओके, तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना आप। सो योर मील इज रेडी। सो माय प्री वर्कआउट मील इज रेडी, बट अभी मुझे जिम नहीं जाना है। सो आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए मैं इसका टेस्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसा लगता है ये। इट रियली टेस्ट वेल, सो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये आपके बजट में आएगा, साथ साथ में जिम में आपको काफी अच्छा पंप भी देगा। और यार मैंने तो इसे महीने भर से ट्राई किया है और इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला है, मतलब पंप काफी अच्छा आता है इससे, और जो आप लैक ऑफ एनर्जी फील करते हो जिम में वो आपको नहीं होगा। और इवन मेरे हिसाब से ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का काफी बेटर रिप्लेसमेंट है। और ये मील मैं पिछले 2 महीनों से कंज्यूम कर रहा हूँ और यकीन मानो जिम में मेरा परफॉर्मेंस और फोकस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो आप इस मील को जिम में जाने से 40 से 45 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा प्लीज मुझे जाके इंस्टाग्राम पे जरूर बता। सो तीसरे नंबर पे आता है एल-आर्जिनाइन, जो कि 10 रुपये का पैकेट है ये, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि एल-आर्जिनाइन हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए,
बट मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी आप सप्लीमेंट के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मतलब प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे 1500 से 2000 mg एल-आर्जिनिन भी होता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि एल-आर्जिनिन आपको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, एंड आप इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। एंड मैंने खुद कंज्यूम करा है इससे। इसके दो फायदे हैं आपको, ये पंप, इसका जो पंप है वो काफ़ी सही होता है, और वैसा ही पंप आपको आएगा जब आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कंज्यूम करोगे, ठीक। और दूसरी चीज़ कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, सो फोकस भी काफ़ी सही होता है इससे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाके लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं चलता हूँ अपने गली से, यू आर सुन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप मुस्कुरा।